अजीब सा सवाल है कि आज के दौर में किसी पीर का मुरीद होना कितना जरूरी है, और आज के दौर के जो पीर किसी हैं, किसी किसी जमाने में किसी पीर का मुरीद होना कोई जरूरी नहीं है। आजकल तो वाजिब सुने करार ना, दिया आज गया। हो या कल हो या पहले हो, पीर क्या होता है और मुरीद क्या होता है? अगर पीर और मुरीद में मानू तो क्या होता है? पीर वो आदमी होता है जो अल्लाह की मार्फत रखता है, सही, तो और अल्लाह की मार्फत वो आदमी रखता है जो आलिम बामल है। वो तो है नहीं आज के दौर में। अगर कोई आलिम बामल नहीं है तो वो पीर शीर नहीं है, वो तो दुकानदार है। मैं बड़े अदब वाले लफ्ज इस्तेमाल कर चुका हूँ, इससे ऊपर जाया जा सकते इससे हैं। ऊपर मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पीरी मुरीदी आजकल ये बहुत जोश है रोटी के जबरदस्त लिए। जबरदस्ती हाथ चुमवाया जाता है कि यार हाथ भी चूमना है, जी हाथ बहुत कुछ ऊपर कराया जाता है, मैसेज किए जाते हैं कि देगे पहुंचानी सुने है। सुने बहुत कुछ कराया जाता है दुनिया जमा करने के लिए। ये बात है। लेकिन मैं ये बता दूं कि मैंने बहुत देखे हैं बेचारे इस दुनिया के लिए हर बेईमानी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बेईमान दीन के नाम से बेईमानी करना है, अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा बेईमान वो है। इस पर रहा नहीं। समझ आ रही है? पीर बनता है और उसके उसके असासे बताते हैं, उसके रहन सहन बताता है, उसकी जनाब ऊपर बैठा हुआ है ऐसे चौड़ा होकर वो बताता है कि नमाज एक भी नहीं ये पढ़ता, बेचारा इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज की रायत वो दे रहा होता है उनको कि नमाज की टेंशन नहीं जी लेनी, नमाज की रायत वो दे नमाज देता की रियायत देने वाले तो हैं ही, आप समझें कि इबलीस की औलाद है, उनकी तो बात ही ना करें ना। है। दिल दुखता है इनको देखकर। बाबा वो रकम कौल वाले बाबा रहमतुल्लाह ले, उनको मैं बहुत इज्जत देता हूँ और बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस्लाम की खिदमत की है। बेशक, उन्होंने चंदे के लिए आप गए, दूसरे तीसरे गए, आपकी बुराइयाँ देखकर वो चुप नहीं रहे, वाह, उन्होंने काम किया है। अब उनसे ज़्यादा कोई मुअज्जब बनना चाहता है, दाढ़ी कटवा बनवा कर बैठा है और उनकी कब्र पे बैठा है या मेरी कब्र पे बैठा है, तो मैं यही समझता हूँ कि मुसलमान की कब्र में कोई और बैठा है। अल्लाह, मैं और क्या कह सकता हूँ बहुत अच्छी जिसकी बात है। शक्ल मुसलमानों से नहीं मिलती। वाह, मैं दाढ़ी का क्यों कहता हूँ? दाढ़ी मुझे नजर आ रही है ना, बाकी तो अंदरूनी खाना चीज़ें अल्लाह की ज़ात के साथ है, मैं उन पर बात नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ें मुझे नजर आ रही हैं मैं उनके बारे में ये तो नहीं कह सकता। मुझे किसी ने कहा जी अल्लामा इकबाल की दाढ़ी नहीं थी, मैंने कहा ठीक है नहीं थी, तो उनकी गवाही इस्लाम कबूल न करने का पाबंद है, शरीयत जाहिर पर अमल करती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने बंदा रात को नोट किया कि घर में क्या कर रहा है या औरत क्या कर रही है, सुबह आपने पूछा। ये मैंने इसलिए कहा कि वो पूरी चीज़ इस वक्त मेरे सामने नहीं है, काफ़ी अरसा मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तो आपने पूछा तो उसने आगे से कहा कि आपको कैसे पता चला, तो उन्होंने फरमाया कि मैं अंदर जांग कर दे, फरमाया आंखें तो आपकी निकालनी चाहिए कि आपने किसी की चादर चार दीवारी के अंदर क्यों देखा है। हम तो वही वही बात बताते हैं जो सामने हम देखते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बड़ी सुलझी भी और बड़ी आसान तरीके से आप नहीं गुफ्तगू नहीं लेके चले। मैं देखे ना, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे मैं मान गया आपसे, मैं नहीं हकीकत बात है, मेरी मानता। खुशनसीबी है और मैंने बड़े दिल से कॉल की थी और आपने ज़िंदगी बड़ी में मोहब्बत पहली दफ़ा, मुझे ये नहीं था कि ये ऐसे कैमरे शैमरे लगेंगे, मैं देहाती आदमी हूँ, नहीं, माशाल्लाह, बड़ा मोहब्बत वाला मामला आपने फरमाया। मैं मक्का मुकरमा गया अदालत में, तो वो चीफ जस्टिस मुझे कहता फी है ये शैन तफाकर या शै, मैं क्या यानी क्या सोच में पड़े हो? मैंने कहा मैं भेड़ बकरी चराने वाला आदमी हूँ और यहाँ मक्का मुकरमा सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूँ। अल्लाह अकबर, वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया।